नहीं नहीं कुछ नहीं बढ़िया किया है, कुछ नहीं बढ़िया किया। क्यों, इज्जत नहीं बढ़िया बोलती? नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये सब चोचले हैं बस, और कुछ नहीं है। बिहार को जितना बर्बाद किया नीतीश कुमार ना, आप समझ गए कि मोदी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये जब तक राम मंदिर का, राम मंदिर रहेगा, ये मोदी का नाम तब तक रहेगा है। ये सब चोर है, गठबंधन वाले सब चोर है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में। देखिए, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बनी थी, अब वैसे ही भैया उजड़ने लगी है, मतलब खेला खत्म होने वाला है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन का हाल बेहाल हो रहा है। पंजाब में भी मतलब गड़बड़ी चल रहा है, बंगाल में भी गड़बड़ी चल रहा है, और भैया बिहार में तो खेला हो गया। नीतीश बाबू ने फिर से पलटी मार ली, पांचवी बार पलटी मारी, और पलटी मारने में वो तो माहिर है, लेकिन इस बार उनका जो दांव है वो कितना सफल रहेगा? क्या सही किया है उन्होंने? क्या वाकई में उनको बुद्धि आ गई है कि भैया मोदी से टकराना मतलब खुद का नुकसान करना? आइए बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक कुमार रस्तोगी। पलटी मार लिया नीतीश कुमार ने फिर से? पलटी इसलिए मार लिया है कि क्योंकि वो राजनीति चला नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं चला पाएंगे वो विपक्ष वाले चद्दर ओढ़ के बैठ जाएं। हाँ, तो मोदी के साथ नीतीश वापस आए हैं, बढ़िया किया उन्होंने? नहीं नहीं कुछ नहीं बढ़िया किया है, कुछ नहीं बढ़िया किया। क्यों, इज्जत नहीं बढ़िया बोलती? नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये सब चोचले हैं बस, और कुछ नहीं है। तो यार मतलब वो तो इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले थे। इंडिया में वो बनने वाले थे तब बनने वाले, अब इस समय चद्दर ओढ़ के बिल्कुल सो जाए। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हाँ सर, श्याम नारायण पांडे, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से? तो देखिए बिहार से मिल गए और इनको भली बात पता होगा कि नीतीश बाबू कैसे हैं। नीतीश जी के लिए क्या कहेंगे? नीतीश ने पांचवी बार पलटी मारी है। अब बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा मोदी जी आपको छोड़ करके, आप कुछ भी करिए क्योंकि अब समझ गए कि अब नरक में जाना है। बिहार को जितना बर्बाद किया नीतीश कुमार ना, आप समझ गए मोदी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। सनातन धर्म के अलावा हम लोग अपना धर्म को डुबाने वाला कोई अब कोई माफ नहीं करेगा। सबकी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति खत्म हो रही है सर। कांग्रेस ये सनातन का अपमान किया, 70 सालों तक हम लोग को राम को कितना अपमान किया, राम काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, रामायण को काल्पनिक बताया, और जो कि राम और कृष्ण जैसा विश्व में कोई धर्म नहीं था, कोई मानव ही नहीं पैदा हुआ। सनातन इतना पुराना धर्म की, सनातन रामकृष्ण ऐसा थे कि पृथ्वी को भी फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता रामकृष्ण में थी। ये बताइए, नीतीश कुमार को आप भली बात जानते होंगे, पांचवी बार उन्होंने पलटी मारी है, नौवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनका फैसला किस तरीके से आप देखते हैं? अगर एक बिहारी हैं आप, क्या लगा सही किया उन्होंने मोदी के शरण में आके चुनाव से पहले? ये सर वो सही नहीं किया है, इसमें भी इनका मोदी जी का नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं रहेगा वो पलटू राम है ना, वो पलट वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा। मोदी जी शाह ने इतना बढ़िया मौका दे दिया भैया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने पिछली बार धोखा दिया था, इस बार फिर से उनको पता चल गया कि धोखा देंगे बाद में। क्या लग रहा है फिर से पलटी मारेंगे? पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन मैं समझ गए कि अब सनातन के अलावा, मोदी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में पीएम बनने चले थे, वहां तो कोई दाल गली नहीं उनकी, अब कुछ नहीं होंगे। मोदी जी भी महीना दिन के बाद देखते रहे पॉलिटिक्स क्या चल रहा है अभी। हाँ, तो नीतीश बाबू आए हैं अगर यहाँ पे एनडीए के साथ में, क्या लग रहा है आपको कि मतलब कुछ मिलेगा, पद वद बढ़िया मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा इनको, कहीं भी रहे अपमान ही रहेगा। पलटू राम पलटने वाले अब कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन भाजपा में भी इनका कोई अथु नहीं, वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू खत्म हो गया। ये अपना सनातन धर्म को विनाश कर रहा है, सनातन हम लोग का अथु किया, ये विपक्ष पार्टी है, हम लोग को हिंदुओं का अपमान किया, काल्पनिक बताया, ये अखिलेश अपने आप को बोल करके बर्बाद किया कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये अखिलेश को नहीं बोलना चाहिए थे, ये राजनीतिक करियर अपने ही आपको खत्म किया अपने। अच्छा बताइए भैया, मैं मोदी और जोगी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जब तक राम मंदिर का, राम मंदिर रहेगा,
ये मोदी का नाम तब तक रहे है, तब तक 2500 साल तक मोदी जी को याद किया जाएगा है, ये जनता का मानस में जो है छाया रहेगा। देखिए मेरा सवाल ये था, किसी ने किया नहीं, आज सतयुग तेता बीत गया लेकिन ऐसा कोई किया नहीं था। हाँ, ये जो मोदी ने किया है ये मंदिर क्या जन्म जन्म तक ये चलता रहेगा। अच्छा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जो है सैकड़ों वर्ष तक ऐसे चलते रहे। हाँ, जिनके न कोई संतान है कुछ नहीं, सब राम के लिए, इन्होंने 5 साल तो बहुत है, ये 25 साल अभी रहेंगे, अभी 25 साल तक रहेंगे मोदी जोगी। अगर इसी तरह जनता का काम करते, होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं, हैं गलत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं है गलत तो जनता देखिए महंगाई की मार से है, सबको रोजगार तो मिल नहीं पाएगा है, पैसा इधर का उधर लेना है, बहुत पैसा खत्म कर रहे हैं, पैसा कैसे आ रहा है, उड़ा तो बहुत रहे हैं। साल तक रहे योगी मोदी, क्या नाम मोदी सुशील, कहाँ से? बागपत जिला, बागपत से। अरे क्या बात, यूपी 50 साल तक रहा होगा जी। अरे भाई 50 साल तक कोई है नहीं आसपास? नहीं कोई आसपास नहीं है, ये तो लोग कह रहे खत्म है, सब ये सब चोर है, गठबंधन वाले सब चोर है, ये चोर है, योर चोर, राहुल न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, सब चोर है, कहीं भी करवाल सब चोर है। अच्छा, मोदी योगी यही मतलब, क्या किया मोदी योगी ने, क्या किया सालों में? अरे सीना चीना दिखा देंगे, बहुत कुछ कर दिया, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। ये बताइए कब आना हुआ आपका अयोध्या में? अभी आए जी, पहले महाकाल गए, अच्छा, फिर महाकालेश्वर गए, अब अयोध्या। 24 का माहौल कितना लाने वाले, क्या लाने वाले, मतलब 400 पार लेके आएंगे? पूरा जी, पूरा पूरा पार जा रहा जी, पारा है नहीं टक्कर कोई नहीं है जी। कहाँ जाएंगे अखिलेश बाबू, ये नीति, घर जाएंगे, घर जाएंगे, घर ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, बता रहे 50 साल तक कोई नहीं है, लेकिन टक्कर कोई नहीं है जी। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे देश बेच रहे हैं मोदी, महंगाई से मार रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, सुरक बढ़ा दे, सुरक देखो जी, सुरक बढ़ा दे, सुरक बढ़ा दे जी, सुरक बढ़ा दे जी, सुरक बढ़ा दे, सुरक कम से कम 1 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा जी, 1 लाख आदमी, 1 लाख आदमी को रोजगार। हाँ जी, लेकिन लोग ये कह रहे इस बार सुपड़ा साफ है जी, कैसे कर देंगे जी, हम बैठे हैं ना, वोट तो हम ही तो देंगे, हम ही देंगे वोट यार, वोट तो हम देंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? पप्पू चोर। बाकी लोगों के लिए, बाकी अखिलेश हो गए और ये जो बाकी लोग हैं, मुल्ला मुलायम सिंह, टोपी वाले सब चोर। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे आप? तो भड़वा 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 दल्ला 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 दल्ला। नीतीश बाबू पलटी मार रही, आज आ गए, दिमाग का कल ठिकाने लग गई उनकी, आ गए बीजेपी में वापस। अभी आना पड़ेगा, सब आना पड़ेगा, जो जा रहे ना आना पड़ेगा। सरकार हमारी है, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है? हाँ जी, गरीबों की सरकार है जी। अच्छा, कैसा काम हुआ पश्चिमी? बहुत अच्छा काम हो रहा जी, बहुत अच्छा काम, हमारा बागपत चमका दिया जी, चमका दिया बागपत जो जी जिला जी। अच्छा, मैं गया हूँ वैसे वहाँ, बागपत बड़ोत, बागपत चमका दिया। अभी ज्यादा रोड बनाए हैं मोदी जी, यहाँ पर अमेरिका फेल है, यहाँ जितना मोदी जी बनाए, आज अयोध्या को स्वर्ग बना ले मोदी जी, योगी जी है और कोई नहीं दिखता है। खाटू श्याम की बारी है, खाटू श्याम की, खाटू श्याम को चमका देंगे जी अब। हाँ जी, खाटू श्याम मथुरा को चमका देंगे अब, गए जितने भी धार्मिक स्थल है सब चमक, सब चमकने वाले हैं जी, राजस्थान में भी। हाँ जी, बीजेपी तो खाटू श्याम, मेहंदीपुर भी चमकने वाला आप जी, खाटू श्याम मेहंदी। इस बार कितना लेकर आ रहे हैं, कितना पार लेकर आ रहे हैं आप जी? पार ही जा रहे जी, पार 50 साल तक कोई भी टच नहीं करने वाला, 2050 तक की गारंटी मेरी है जी। सर्वे में लोग बता रहे हैं कि भैया सरकार तो डाउन होती जा रही है। कौन कह रहा है? मेरा आगे लाओ ना, मेरा आगे लाओ। 100% हम लोग सनातन है, अब 20% मुस्लिम हम लोग को क्या बिगाड़ेगा ये भी तो बताइए। ये राहुल गांधी मुस्लिमों का वोट ले सकते हैं, और 100% हम लोग सनातन है, कैसे जीत जाएगा? मोदी जी का सब पूरा पूरा सनातन वोट देगा, आज जो भी देगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बागपत से आए हुए भैया, और आप देख पाएंगे। हाँ भैया बताइए, चलिए आप ही बता दीजिए, क्या नाम? एक ही कोई नहीं, आप बताइए। बबलू, 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 बबलू भैया बागपत से अयोध्या धाम आए हैं,
पूर्वांचल में आए हैं, कैसा लग रहा है? अरे मजा आ गया जी, पूरा आनंद हो गया जी, पूरा मजा आ गया, बिल्कुल बेहतरीन हुआ, मजा आ गया बिल्कुल। क्या लग रहा है स्वर्ग में आ गए? चुनाव में क्या होने वाला है 24? चुनाव में मोदी है, योगी है, बस और कुछ नहीं, कोई और नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर से दूर है कोई नहीं है, योगी है बस, आगे पीछे योगी, फूल पर लगेगा धब्बा, फूल पर धब्बा लगेगा। कहाँ जाएंगे बेचारे, इतने सारे मिल के सब हराने पे जुटे पड़े हैं, कहाँ ले जाएंगे इनको? आपका शेर का बच्चा है कि अच्छा, शेर का बच्चा है कि अच्छा, शेर का बच्चा है कि अच्छा, वो मोदी और योगी, मोदी जी शेर है, पक्का शेर है, बाकी सारे क्या है? बाकी गीदड़ है, सब बिल्कुल गीदड़ है। हाँ जी, ठोक बजा के कह रहे हम, योगी और मोदी जिंदाबाद, पक्की जिंदाबाद। कितने सीट पार कर रहे हैं? पूरी करेंगे। कोई है नहीं तोड़, कोई नहीं तोड़ने वाला। अच्छा। आज के टाइम पे कोई तोड़ने वाला नहीं है योगी और मोदी को। ये कांग्रेस और सपा, यूपी की बात की जाए, कांग्रेस और सपा में हिसाब किताब बन गया भैया, 11 सीटों पर जो है, कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, योगी और मोदी का कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, उनकी टक्कर आज के डेट में कोई भी नहीं है। लेकिन कह रहे देश बेचा जा रहा है, महंगाई से मारे, रोजगार, विपक्ष है, विपक्ष जो पार्टी बदनाम करने के लिए तुली उन पर जो है, उनको बदनाम कर रही विपक्ष पार्टी जो है, योगी और मोदी जिंदाबाद। तो मतलब माहौल सेट है पूरा? बिल्कुल सेट है जी सर। क्या नाम है आपका? शिवनंदन दुबे। कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इससे पहले ऐसा माहौल कभी बना ही नहीं है। कहाँ से आए? और बेहतर की बारी है, मथुरा की बारी है, काशी का भी नंबर लग गया दोस्त आपका, भी मथुरा का भी। एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है, मंदिर ही निकला है वहाँ पे, अभी दो दिन पहले। हाँ जी, अब वापी ठीक है जी, ठीक है।